ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी गैंग का पर्दाफाश किया है। शहर की महिला डॉक्टर को डिजिटल हाउस अरेस्ट कर 38 लाख की ठगी करने वाले गैंग के दो सदस्यों को पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार किया। आरोपी ठगी की राशि को यूएई और चीन में भेजते थे। ग्वालियर पुलिस ने शहर की महिला डॉक्टर को डिजिटल हाउस अरेस्ट कर 38 लाख की ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गैंग के दो सदस्यों को भोपाल से गिरफ्तार किया। खास बात यह है कि आरोपी ठगी गई रकम को चीन और यूएई में बैठे अपने साथियों के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। गैंग ने ग्वालियर की डॉक्टर सुजाता बापट को डिजिटल गिरफ्तारी का डर दिखाकर 38 लाख रुपये ट्रांसफर करवाए थे। अब पुलिस पकड़े गए गैंग के दूसरे साथियों की तलाश में जुट गई है। साथ ही उन्होंने अभी तक इस तरह के कितने वारदातों को अंजाम दिया है इसके लिए पूछताछ कर रही है। एक महिला है जो MBBS डॉक्टर है, श्रीमती सुजाता बापट, इनके साथ एक फ्रॉड हुआ था। बेसिकली इनको एनफोर्समेंट एजेंसी का डर दिखा के डिजिटली अरेस्ट किया गया था और उस डर के चलते इनके अकाउंट से करीब 38 लाख रुपए अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर कराए गए थे। ये घटना 9 जुलाई से लेकर लगातार चलती रही। 9 मई को इसमें क्राइम ब्रांच थाने में एफ आई आर दर्ज हुई। इस केस की इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच थाने के सब इंस्पेक्टर धर्मेश शर्मा जी के द्वारा विवेचना की गई। एक बेसिकली मोडस ऑपरेंडी क्राइम है और आजकल जो साइबर फ्रॉड का जो पैटर्न चल रहा है, जिसमें कि आपके पास एक कॉल आता है और आपको कई प्रकार से टेररिज करने की कोशिश की जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।